नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जो 2020 में आने वाली है उसके रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो होगी वो जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की वीडियो होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान समय में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन हैं। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रहेगा एसएस देसवाल, ऑप्शन नंबर बी कर्णम मलेश्वरी, ऑप्शन सी आर के एस भदौरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहना है ताकि मैं आपका रिस्पांस देख सकूं और मैं उसी टाइप्स का फिर लेवल अप करता जाऊंगा और मेरी वीडियोस का लेवल भी अप होता रहेगा। दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एसएस देसवाल। दोस्तों, आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुमारवाह झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों, मैं पूरा हिमाचल प्रदेश पुलिस का जैसा भी 16 क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वैसे मैं क्वेश्चन लेकर आपके लिए आ रहा हूं। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन ए रहेगा सिरमौर, ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर एंड नेक्स्ट वन इज मंडी। तो दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की कुमारवाह झील है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी मंडी ज़िले में। जो आपका मंडी ज़िला है उसमें कुमारवाह झील पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी साथ में ही कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कृषि विद्यालय का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों, जो पालमपुर में आपका कृषि विद्यालय है उसका निर्माण किस वर्ष में किया गया था। तो हम लोग ऑप्शंस की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए रहेगा 1971, 1972, 1978 एंड नेक्स्ट वन इज 1985। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1978। तो जो आपका पालमपुर का कृषि विद्यालय है उसका निर्माण किया गया था 1978 में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक चेक का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, जो बैंकिंग लेवल का एक क्वेश्चन इसमें पुलिस के एक आपके एग्जाम में देखा जाता है, हमेशा ही एक क्वेश्चन आया होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा बिरचक, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आएगा ब्रेक चेक। दोस्तों, आप लोग इसको करेक्ट कर लें। ऑप्शन नंबर बी रहेगा ब्लैंक चेक, ऑप्शन नंबर सी स्पीड चेक और ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा चेक नहीं है, इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है। एंड मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि जो आपका स्पीड चेक है ये किसी भी प्रकार का चेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं पूरा जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जैसा पैटर्न होता है मैं वैसे ही आपके लिए वीडियोस और बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की घोषणा स्वयं निलंबित कर देता है। तो जो आपका आपातकाल लगता है, आर्टिकल जो आपका है 352, यानी कि जब आपातकाल लगता है तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो स्वयं निलंबित आपातकाल की घोषणा को कर देता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए रहेगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 एंड नेक्स्ट वन इज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सिक्स नंबर का क्वेश्चन है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन की तरफ पहले ध्यान से देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है, कम पूछा गया है, ज़्यादा पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा इसका राइट आंसर रहेगा। भारत का जो राज्य है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है वो आपका रहेगा हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं भी देखूं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, आप लोगों का कितना ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। डेज के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्ज़ाम में। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम ले लीजिए, पटवारी का ले लीजिए, हर जो भी आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें जीके पूछी जाती है उसमें एक डेज के रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखे हुए हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 जनवरी, 8 मार्च एंड नेक्स्ट वन इज 15 मार्च। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा, मैं बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल जल्दी से आप लोगों के जितने भी 16 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश पूरी करता हूँ। आजकल के एजुकेटर जो होते हैं वो एक घंटे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन उसमें लिए जाते हैं। मैं आपकी 10 मिनट की वीडियो में सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कवर कर लेता हूं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राज्यपाल सजा को माफ़ कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है वो सजा को माफ़ कर देता है, लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो राज्यपाल सजा को माफ़ कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो दोस्तों, इसका यहाँ पर इन्होंने अनुच्छेद दे रखे हैं अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 152 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं। साइंस का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से इजी लेवल के 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए रहेगा तांबा, इस्पात, लोहा और चांदी। दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। 10th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन ए रहेगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी अशोक एंड लास्ट वन इज सिकंदर। तो दोस्तों, जिसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है उस व्यक्ति का नाम आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा महात्मा बुद्ध। जो आपके महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था। तो दोस्तों, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हुए हैं, ऑप्शन ए रहेगा शेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह, सी ऑप्शन रहेगा दिलीप सिंह एंड नेक्स्ट वन इज नोनीहाल सिंह। तो दोस्तों, जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो पंजाब के एक बहुत ही जो वीर राजा होते हैं उनकी जब भी पंजाब में नाम लिया जाता है तो उसमें महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था दिलीप सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। 12वें नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं इनमें से किस देश से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, तो इनकी सीमाएं किस देश से जुड़ी हुई हैं। हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन ए रहेगा चीन, जो चाइना आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है जिससे देश से कोरोना आया हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन बी रहेगा भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी रहेगा नेपाल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल।
तो उत्तराखंड की राजधानी आप लोगों को पता होगी देहरादून, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है यहाँ पर लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता और सिक्किम की गंगटोक। दोस्तों मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ, मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपको डेली की यहाँ पर वीडियो मिलती है। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से कौन से ज़िले में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो आप लोगों को बताना है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए रहेगा किन्नौर, ऑप्शन नंबर बी चंबा, सी ऑप्शन रहेगा लाहौल स्पीति एंड लास्ट वन इज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताना है, वीडियो को पुश कर आंसर बताना है, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति आपका ज़िला है उसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं, सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लेकिन इसमें जनसंख्या सबसे कम है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइफाइड का रोग किसके कारण होता है? जो आपका टाइफाइड का रोग है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए रहेगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ एंड लास्ट वन इज इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टाइफाइड का रोग है वो होता है आपका जीवाणु के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों के खिलाफ किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी? देश की जो आज़ादी हुई थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे सपूतों ने जो भी देश के लिए किया है वो हम लोग नहीं कर सकते दोस्तों आज के टाइम में, लेकिन जैसा भी आप लोग कर सकते हैं देश की सेवा, किसी भी कंडीशन में आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग कीजिए, किसी की मदद कीजिए ताकि हमारे देश का विकास हो सके। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ग्वालियर का युद्ध, यहाँ पर बी रहेगा झांसी, ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्वालियर। जो ग्वालियर था वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जो पाटलिपुत्र है इसका वर्तमान में क्या नाम है? दोस्तों आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों मैं आपसे जितने भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ सके। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि लोकपाल विधेयक से जुड़े कार्यकर्ता का आपको नाम बताना है। दोस्तों जो क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चंस होता है मैं आपको इसमें ऑप्शंस नहीं देता हूँ, आप लोगों ने सर्च करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है कि लोकपाल का जो विधेयक से जुड़े कार्यकर्ता थे उनका नाम क्या था। दोस्तों आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, और साथ में जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद।